हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और व्लॉग की स्टार्टिंग मेरी किचन से हो रही है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा किचन से हो रही है तो कि मैं आज कुछ बनाने वाली होंगी। तो आज क्या, वैसे तो मैं डेली बनाती हूँ बट मैं किचन में होती उसका मतलब कुछ बनाने वाली होंगी। तो आज मैं अभी कॉलेज से आ चुकी हूँ और बज रहे हैं 3, तारीख है 13 जनवरी और आज लोहड़ी है, तो आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और मैंने सोचा कुछ स्पेशल बना लिया जाए आज के दिन, और इस ठंड में मैंने बनाया भी नहीं है वो चीज़, तो मैं वो क्या बनाने वाली हूँ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी बैक कैमरे से। तो उसी चीज़ का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और जैसे कि आप देखेंगे आगे मैं क्या बनाने वाली हूँ तो मैं उसकी पूरी रेसिपी दिखाने वाली हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। और आप लोगों को वो कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलते हैं, पहले उसको बना लेते हैं और इस वीडियो को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, रेसिपी डालेंगे खाली क्या बना रहे क्या नहीं। और बाकी मेरा भी हाल तो सब बढ़िया है, और मैं बनाते बनाते ऐसे बिग बॉस भी देखती हूँ और अभी लाइट गई हुई है, मैंने कहा फिर व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी, फिर रह जाएगी व्लॉग की स्टार्टिंग, इसलिए मैंने फ्लैश चला के उसकी स्टार्टिंग भी कर दी है व्लॉग की। और तो हलवा बनाते हैं, लाइट जब तक आती है ठीक है, फिर आगे का तब रिकॉर्ड करेंगे, तब तक कुछ कुछ प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ, तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स को कट करके रख लिए हैं कुछ बनाने के लिए, और इसको छील रही हूँ जब तक, कस करते हैं फिर हलवा चढ़ाएंगे। और थोड़ा सा मैं खोआ लेते आई थी आते टाइम, और बाकी मैं इसको चढ़ाती हूँ तब तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ। और तो मैंने इतना गाजर कद्दूकस कर लिया है और इतना बाकी है, और ये छोटा सा है कद्दूकस करने वाला, मुझे जिससे थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें कस के इसमें निकाल दे रही हूँ। और फिर इसको कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें घी डालते हैं। मैंने गाजर डाल दिया है घी में, कढ़ाई पे चढ़ा दिया है और खोआ भी घिस के रख दिया है, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी जो मैंने अभी रोस्ट किए थे वो। और मैंने सोचा था कि लाइट आई रहेगी तो मैं अपना बिग बॉस भी देख लूँगी और गाजर का हलवा भी बना लूँगी, अब लाइट तो है नहीं, अब मेरे को आराम भी करना था, थोड़ी देर मैंने सोचा आराम करना है तो पहले हलवा बना लेते हैं, तो लाइट है ही नहीं तो पहले हलवा ही बनाना पड़ेगा। और हलवा कैसा बनता है अंधेरे में देखते हैं, मैं फ़ोन के टॉर्च के सहारे ही हलवा को बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया लाइट नहीं है और अभी तक आई भी नहीं है, और ये हलवा अंधेरे में कैसा बनता है देखते हैं। कितने देर में सूखते हैं, दूध डालने के बाद देखते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है हलवा बनाने में, इसको पता ही आपको इस तरीके से लग रहा है हमारा हलवा, इसको पकने देते हैं जब तक हम अपना कुछ और काम कराते हैं। और पहली बार मैं अंधेरे में हलवा बना रही हूँ, हलवा का एक्सपीरियंस मेरा अंधेरे का, दूध इतना सूख चुका है, दूध हलवा से डाल दे रहे हैं, वो भी पकने का टाइम लगेगा, ये सब डाल देते हैं, इसमें मैंने इलायची डाली है, ये सब इसमें डाल देते हैं, इतना ठंडा देखिए जम गया अभी आपके सामने वाले को, लाइट किया 10-15 मिनट पहले, 15 मिनट हो गया होगा, 20 मिनट हमारा मतलब अभी आधे घंटे में रेडी हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। हमें किशमिश भी डाल देते हैं, इसमें आगे तो थोड़ी बार आने हमने खोल को, और थोड़ा सा नारियल डाल देते हैं जिसका, थोड़ा सा सूखने देते हैं, फिर इसमें चीनी डालेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और चीनी डाल देते हैं, थोड़ा साइड में देखिए घी कितना प्यारा लग रहा है, साइड में प्यारा, और एक ढक्कन चीनी डाल देते हैं, थोड़ा सा क्योंकि मुझे मीठा वाला अच्छा, सब वैसे मैं मेरे को काम कर रही हूँ तो रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेरे को रिकॉर्ड भी करना होता है काम भी, तो
थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए दोनों साथ में करना। क्या प्यारा हलवा लग रहा है, काफ़ी दिन हो गए ना हलवा बनाए खाए घर का, इसलिए थोड़ा अच्छा हो गया। अभी थोड़ा सूख जाएगा तो हम खोआ डाल देंगे, और खोआ डालने के बाद एक किस्म से बच गया था शायद उसमें। अभी खोआ डाल के कैसा लगता है? तो मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार है, मैंने अपने लिए निकाल भी लिया, कटोरी में लाइट तो आई भी नहीं है अभी तक। मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है, बाकी फिर उनसे पूछ के बताएंगे कैसा बना है। तो किचन में ही खा ले रही हूँ मैं, क्योंकि फिर अंधेरा है वहाँ पर भी, रूम में कुछ दिखेगा तो है नहीं। टेस्ट बता दे रही हूँ खाली आप लोगों को कैसा बना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्टी में खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा। तो यह हलवा ऐसा लग रहा है, बाकी अब पति देव जी आते हैं तो उनको टेस्ट कराया जाता है कैसा बना है। अब मैं इसको रख के जाती हूँ खा के थोड़ी देर आराम करने के लिए, और इसको पूरा देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। कैसे है खा के बताओ? पहले ठंडा, पहले ठंडा खाना चाहिए था, दोनों का टेस्ट अलग लग रहा है ना। ठीक है, ठीक टेस्ट ठीक है, नहीं है ठीक, मुंह देखो कैसे बना रहे हो। तो मैंने उनको टेस्ट करवाया हलवा, जैसे कि आपने देखा है कैसे बोले, उनको ज़्यादा मीठा पसंद है बट मुझे पसंद है थोड़ा मीठा बनाया इसलिए। और अभी रात हो चुकी है भाई, 8:30 हो रहे हैं, मैं खाना भी बना रही हूँ रात का डिनर, तो दिखाती हूँ मैं डिनर में क्या बना रही हूँ। तो मैं बेसन की सब्जी बना रही हूँ, तो फ्राई कर रही हूँ बेसन की बॉल्स, और आटा सान रखा है इसमें। तो बनाते हैं जल्दी, फिर चावल भी बनाने की सब्जी। और इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देती हूँ, वैसे ज़्यादा मैंने बड़ा किया नहीं है वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको गाजर का हलवा देखने में कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।